दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष है और आपका मेरे चैनल मिस्टर मैजिशियन में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज से एक दो महीने पहले मैंने एक रूबिक्स क्यूब की मैजिक की वीडियो डाली थी और उसमें मुझसे कई लोग ने कमेंट में बोला कि रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना सिखाइए। इसीलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं। इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप कोई भी 3x3 का रूबिक्स क्यूब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आप क्यूब को सॉल्व किए होंगे तो आप किए क्या होंगे, आप किसी तरह पहले कलर को पूरा बनाए होंगे और जब दूसरा कलर बनाने जाते होंगे तो पहला वाला पूरा बिगड़ जाता होगा। एक्चुअली ये तरीका गलत होता है। हम लोग को क्यूब को लेयर बाय लेयर सॉल्व करना होता है। अब लेयर क्या होती है? लेयर मतलब ये, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये पूरी एक लेयर है। फर्स्ट लेयर इसको कहते हैं क्यूब का, फिर ये सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर। टोटल 3 लेयर्स होती हैं क्यूब में। आपको लेयर बाय लेयर सॉल्व करना होता है। अब मैं आपको क्यूब के बारे में कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दे दूं। होता क्या है क्यूब में, टोटल पहले तो 6 ऐसे पीसेज होते हैं जो कभी अपनी जगह से हिलने नहीं वाले। वो हमेशा पूरे कलर के बीचों बीच होते हैं, जैसे कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला। आप कितना भी क्यूब को हिला लें, ये पीसेस अपनी जगह पे ही रहने वाले हैं। इसके बाद टोटल 8 कॉर्नर पीसेस होते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये सब कॉर्नर में है। ये 3 कलर पूरा मिला के एक पीस बना है, इसको कॉर्नर पीस बोलते हैं। 1, 2, 3, 4 और सेम नीचे भी 5th, 6th, 7th एंड 8th, टोटली 8 कॉर्नर पीसेज हो गए। इसके बाद 12 सेंटर पीसेज होते हैं। सेंटर पीसेज मतलब 2 कॉर्नर पीस के बीच में होने वाला। यहाँ पे देख सकते हैं, 2 के बीच में एक ये 2 कलर के होते हैं। ये एक पूरा पीस है तो ये एक सेंटर पीस है। 1 यहाँ पे, 2nd ये, 3rd वाला ये, 4th सेम यहाँ भी, 5th, 6th, 7th, 8th और ये जो बीच वाली लेयर है उसमें भी 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्यूब के बारे में। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ नोटेशंस बता देता हूँ। नोटेशंस यानी सिंबल्स या शॉर्टकट, आप जो समझ लीजिए। इसके बिना आप क्यूब को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो इस पार्ट को मिस मत करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ नोटेशंस। सबसे पहला होता है राइट, यानी कि आर। आप राइट वाली लेयर को क्लॉकवाइज घुमाते हैं कुछ ऐसे। अगर आप क्यूब को अपने तरफ ऐसे पकड़े हैं तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। और फिर उसी का उल्टा होता है आर प्राइम या आर डैश। आप राइट वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो ये हो गया आपका आर और ये हो गया आपका आर प्राइम या आर डैश। इसी के सेम होता है एल, यानी लेफ्ट। आप अगर राइट वाली लेयर को ऐसे घुमा रहे हैं तो आपका एल इसी का उल्टा हो जाएगा कुछ ऐसे। ये आपका एल था और ये आपका एल प्राइम हो गया। तो ये आर, आर प्राइम, ये एल और ये एल प्राइम। इसके बाद होता है अप, यानी यू। आप टॉप लेयर को क्लॉकवाइज घुमाते हैं कुछ ऐसे और इसी का उल्टा, यानी कि यू प्राइम। आप टॉप लेयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं कुछ ऐसे। सेम इसी का उल्टा डाउन में भी है। आप आपको ऐसे घुमाए थे तो डाउन को आप ऐसे घुमाएंगे। ये आपका डी हो गया और ये आपका डी प्राइम हो गया। इसके बाद होता है फ्रंट, यानी फ्रंट वाली लेयर है। आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं कुछ ऐसे। ये आप फ्रंट वाली लेयर को क्लॉकवाइज घुमा दिए, इसी का उल्टा एफ डैश। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। और लास्ट बचा है आपका बैक। अगर आपका फ्रंट ऐसे था तो आपका बैक इसी का उल्टा हो जाएगा। ये आपका बी हो गया और ये आपका बी डैश हो गया। तो ये कुछ नोटेशन और सिंबल्स, जो भी आप समझ लीजिए, ये होते हैं। आप क्यूब को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं आर, आर डैश, यू, यू डैश, ये सब फालतू क्या बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं अभी आपको क्यूब सॉल्व करना सिखाऊंगा तो, और जब मैं पीसेस को इधर उधर टर्न करूंगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये इधर से घुमा दूंगा या उधर से घुमाऊंगा। लेकिन जब मैं आर या आर डैश बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे आर यानी मैं राइट वाली लेयर को घुमा रहा हूं, और जो भी मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो आप इससे आराम से फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्यूब को पकड़ना कैसे है। आप क्या करिए, आप अपने थम्स को यहाँ पे लाइए और जो आपकी मिडिल फिंगर है इसी के अपोजिट लाइए। तो आप ऐसे आराम से एक रिलैक्स पोजीशन में क्यूब को पकड़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे क्यूब को सॉल्व करते हैं, उनका क्यूब भी खराब हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। आप बस आराम से ऐसे सिंपली पकड़ लीजिए 4 फिंगर से। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है क्यूब को, सबसे पहले आप क्या करिए, कोई एक कलर पिक कर लीजिए, जो कि यहाँ पे सेंटर वाला कलर होता है पूरे 9 कलर में, जो कभी अपनी पोजीशन से हिलता नहीं है। आप कोई भी एक कलर पिक कर लीजिए। मैं यूजली ग्रीन से करता हूँ। आप भी अगर ग्रीन से करेंगे तो आप आराम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आपका सबसे पहला एम है ये प्लस बनाना। यहाँ पे देखिए, मैं बना के रखा हुआ हूँ। यहाँ पे अगर ग्रीन एंड रेड है तो यहाँ पे भी ग्रीन एंड रेड वाला पीस बनाया है। यहाँ पे अगर येलो और ग्रीन है तो यहाँ पे भी येलो और ग्रीन है। यहाँ पे ऑरेंज एंड ग्रीन है तो यहाँ पे भी ऑरेंज एंड ग्रीन है। यहाँ पे व्हाइट एंड ग्रीन है तो यहाँ पे भी व्हाइट एंड ग्रीन है। ये एक कम्प्लीट प्लस बना हुआ है, यही आपको सबसे पहले बनाना है। तो अगर आपने ग्रीन कलर पिक किया है तो आप उस कलर को एकदम टॉप पे रखिए, जो भी आपका कलर है उसको एकदम टॉप वाली लेयर पे रखिए। और उसी का जो 2 कलर वाला पीस होता है, जैसे कि ये 2 कलर वाला पीस, आपको इस बॉटम वाली लेयर में ढूंढना होगा। ये जो बॉटम लेयर है उसमें ढूंढना है। तो हम लोग देखते हैं कोई भी ग्रीन कलर का पीस।
यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का पीस है, यहाँ पे ग्रीन एंड येल्लो है, तो आपको पहले तो ये देखना है कि वो ग्रीन और येल्लो मैच कर रहा है कि नहीं, मीन्स ये येल्लो इससे मैच कर रहा है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रीन उधर हो और येल्लो नीचे हो, तो वो दो अलग अलग केस है, मैं आपको दोनों बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपका मैच कर रहा है तो आपको क्या करना होगा, मान लीजिए ये पीस यहाँ पे होता तो आप इसको इस कलर से मैच करिए। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार इसको ऐसे टर्न करूंगा, सिंपल आपको अपना क्यूब देख के टर्न करना है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, बस आप इसको मैच कर दीजिए इस कलर को। और अब ग्रीन यहाँ पे है तो आप क्या करेंगे, क्यूब को ऐसे दो बार घुमाएंगे, मीन्स अगर आपका ये है तो आपको इसको राइट दो बार करना है, 1 एंड 2। तो देखिए ये ग्रीन ग्रीन और येल्लो येल्लो मैच हो गया है, ठीक है, तो बस आपको यही सबसे पहले करना है। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का उल्टा है, देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन ऊपर है एंड येल्लो नीचे है, तो भी आप क्या करिए, पहले तो उसको येल्लो से येल्लो मैच करिए, भले ही ये नीचे है लेकिन उसको येल्लो के साथ लाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाली लेयर को जो नीचे वाली लेयर है उसको डाउन वाली को टर्न करना है, कुछ ऐसे अपने लेफ्ट की तरफ आप उसको टर्न कर दीजिए, तो आपका पीस यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो आपकी लेफ्ट वाली लेयर है उसको एल डैश करना है, मीन्स इसको आपको ऐसे ऊपर कर देना है, देख सकते हैं, तो ये येल्लो एंड येल्लो आपका मैच कर जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ग्रीन यहाँ पे है, तो बस आप एक बार सिंपली इसको ऐसे टर्न कर दीजिए, तो ये आपका फिर से मैच कर जाएगा। तो आपका दो केसेस यहाँ पे होंगे, या तो पीसेस सीधे होंगे या तो पीसेस उल्टे होंगे, सीधे वाले में आपका फर्स्ट केस है एंड उल्टे वाले में आपका ये सेकंड केस है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का पहला पीस सेट हो गया है, अब हम लोग को फिर से बॉटम लेयर में ढूंढना है कोई ग्रीन या दूसरा कलर। तो देख लीजिए यहाँ पे मुझे ग्रीन एंड व्हाइट मिल गया है, इस बार तो ये सीधा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, व्हाइट को व्हाइट के साथ मैच करते हैं, ऐसे देख लीजिए व्हाइट के साथ व्हाइट मैच हो चुका है, और सिंपली इसको ऊपर की तरफ ला देंगे, तो देख लीजिए ये व्हाइट एंड व्हाइट मैच हो चुका है और ये हम लोग का येल्लो बना ही था। आपको बस एक चीज ध्यान में रखना है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जब सेट कर रहे हो तो आपका ऊपर वाला बना बनाए बिगड़ जाए, तो आप उसको खुद सोच के आप अपना एक मिनट के लिए साइड में करके अपना सेट कर सकते हैं, ठीक है, वो आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे वो आपको उतना अच्छे से आ जाएगा। फिर से अब हम लोग को कोई पीस ढूंढना है नीचे वाली लेयर में, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया ग्रीन एंड रेड, इस बार ये सीधा ही है, देख लीजिए रेड यहाँ पे आराम से सीधा है, तो हम लोग इसको रेड से मैच करते हैं, रेड एंड रेड मैच हो गया है, और फिर से हम लोग इस वाले को ऊपर ला देंगे, तो देख लीजिए ये रेड इसके साथ आराम से मैच हो गया, तो हम लोग का तीन सेट हो गया, व्हाइट रेड एंड येल्लो। अब फाइनल पीस हम लोग का ग्रीन एंड ऑरेंज वाला होगा, तो हम लोग फिर से इस बॉटम वाली लेयर में ढूंढेंगे, देख लीजिए इस बार बॉटम वाली लेयर में वो पीस नहीं है, यानी कि वो तो या तो इस वाली लेयर में होगा या तो इस वाली लेयर में होगा, तो इस वाली में ढूंढिए, देख लीजिए वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, दो पीसेस के बीच में ही होगा, जाहिर सी बात है दो कलर वाला पीस है, तो ये यहाँ पे। अब ये है कि इसको यहाँ पे लाना कैसे होगा, आप क्या करिए, आपके क्यूब के डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं, आप यही करेंगे आराम से, आपको सोच के करना होगा। आप क्या करिए, पहले तो इसको नीचे वाली लेयर में लाइए, जब भी हो कहीं भी हो उसको आपको नीचे वाली लेयर में लाना है, तब आप अपना पुराना वाला रूल लगा सकते हैं। तो आप इसको नीचे वाली लेयर में लाइए, ये पीस यहाँ से यहाँ आ गया, पर इसकी कोई टेंशन नहीं है, वो भी सीधा हो जाएगा, यहाँ आ गया, इसको एक मिनट के लिए ऐसे टर्न कर दीजिए, इधर आ गया, और वापस जो आपका बिगड़ गया है इसको वापस लगा दीजिए, तो ये तो आपका वापस सीधा हो गया, और जो पीस उस वाली तरफ में था वो यहाँ पे आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, देख सकते हैं ये ऑरेंज है, तो पहले मैं इसको ऑरेंज के साथ मैच करूंगा और वापस इसको ऊपर ला दूंगा। अब आपका ऑलमोस्ट प्लस बन चुका है, बस प्रॉब्लम ये है कि ये वाले पीस को यहाँ, ये कलर को यहाँ होना चाहिए था और ये वाले कलर को यहाँ होना चाहिए था। और हाँ, ये दोस्तों इस पीसेस को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, अगर यहाँ पे ग्रीन आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा ध्यान इस प्लस पे होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग का सवाल है कि इसको टर्न कैसे करना है, मीन्स इस कलर को इधर और इस कलर को इधर, इसको क्या करना है, इसका एक सिंपल सा एल्गोरिथम है रिवर्स वाला। आपको क्या करना होगा, आपको टॉप लेयर को यू घुमाना है, मीन्स यू एफ यू डैश एंड देन आर, तो इससे क्या होगा, देख लीजिए ये जो कलर रिवर्स थे वो सीधे हो चुके हैं और आपका यहाँ पे एक कंप्लीट प्लस बन चुका है, देख लीजिए सारे पीसेस अपने जगह पे हैं और ये पूरा प्लस बन चुका है। तो अब आपका एम है ये करना, मीन्स अब आपका प्लस बन चुका है, तो अब आपको ये चार पीसेस जो है यहाँ पे आपको सेट करना है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो कलर है वो इनसे मैच होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे ग्रीन रेड और व्हाइट है, तो ये वाला जो पीस है इन तीनों के बीच में ये भी ग्रीन रेड एंड व्हाइट है। यहाँ पे देखिए ग्रीन येल्लो एंड रेड है, तो यहाँ पे भी ग्रीन येल्लो रेड है, सेम यहाँ पे भी और सेम यहाँ पे भी, तो ये आपका एक कलर मीन्स एक पूरी लेयर आपकी बन जाएगी। अब आपको कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको करने के लिए मीन्स इन चार पीसेस को सही से सेट करने के लिए आपके तीन पोजीशंस आ सकती हैं, तो आप कब फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा, तो आप इसको पूरा देखिएगा, फिर आपका एक तो मैच करना ही है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आपको जो ये तीन कलर वाला पीस होता है उसको बॉटम लेयर में आपके सामने ढूंढना है, मीन्स यहाँ पे वो जैसे यहाँ पे देख लीजिए ग्रीन है लेकिन वो यहाँ पे सामने नहीं है, तो आपको ऐसा ढूंढना है कि वो सामने हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये देखिए ग्रीन टॉप पे होना चाहिए और ग्रीन यहाँ पे एक कलर होना चाहिए, इसके साथ जाहिर सी बात है दो कलर होंगे, यहाँ पे ऑरेंज एंड व्हाइट है। सबसे पहले आप क्या करिए, अपने क्यूब में इसको ऑरेंज और व्हाइट के बीच में लाना है, मतलब यहाँ पे देखिए ऑरेंज है और यहाँ पे व्हाइट है,
यहाँ पे ऑरेंज एंड यहाँ पे व्हाइट। तो ये पीस को आप पहले यहाँ पे ले आइए, इसको कुछ नहीं है, इसका एल्गोरिथम नहीं है, सिंपल आप इसको एक बार टर्न करेंगे तो देखिए ये ऑरेंज एंड व्हाइट के बीच में आ गया, ग्रीन ऑरेंज व्हाइट, तो यहाँ पे भी ग्रीन ऑरेंज एंड व्हाइट हो गया। अब यहाँ पे एक एल्गोरिथम है, मीन छोटा सा एल्गोरिथम है, कुछ इतना कठिन नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको इसको डाउन घुमाना है राइट की तरफ, इस तरफ आपको घुमाना होगा। एक बार आप इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर एल, फिर डी डैश एंड देन एल डैश। तो देखिए ये वाला पीस ऊपर चला गया और मैच भी किया है, मीन्स यहाँ पे ग्रीन ऑरेंज व्हाइट है, तो यहाँ पे भी ग्रीन ऑरेंज एंड व्हाइट है, कुछ कुछ इस तरह देख सकते हैं, ग्रीन व्हाइट ऑरेंज है, तो यहाँ पे भी ग्रीन व्हाइट ऑरेंज है, ये मैच हो गया है। इसके बाद फिर से आप थर्ड नीचे वाली लेयर में ग्रीन पीस ढूंढिए और उसका इसी सामने होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको अभी आप भूल जाइए। यहाँ पे देखिए एक मिल गया हम लोग को, आप अपना कलर हमेशा टॉप पे रखिएगा, ग्रीन वाला मेरा टॉप पे है, तो मुझे एक पीस यहाँ पे मिल गया है। फिर से आपको इसके साथ वाला दो कलर ढूंढना है, यहाँ पे क्या है, ऑरेंज एंड येल्लो है, तो सबसे पहले आप ऑरेंज एंड येल्लो ढूंढिए, देख लीजिए येल्लो ऑरेंज है, तो मीन्स उसकी यहाँ पे पोजिशन होने वाली है, तो इसको फिर से आप एक बार टर्न करिए कुछ ऐसे, देख लीजिए मैच हो गया। हम लोग पिछले बार किए थे तो मैच होने के बाद वो इस राइट तरफ था, लेकिन इस बार लेफ्ट तरफ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो राइट था तो हम लोग इसको इधर घुमाए थे, अब वो इस तरफ है तो हम लोग इसको ऐसे घुमाने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार इसको ऐसे घुमाया, पिछली बार हम लोग ने इस वाली लेयर को घुमाया था, तो इस बार हम लोग इस वाली लेयर को घुमाएंगे, इसको नीचे लाइए कुछ ऐसे, फिर इसको वापस घुमा दीजिए और इसको ऊपर कर दीजिए, तो ये वाला पीस भी अपने सही जगह पे आ चुका है, ठीक है। तो बस यही दो होने वाला है कि या तो एक बार इधर आने वाला है या तो इधर आने वाला है। मान लेते हैं इधर आ रहा है तो आपको इसके उल्टा घुमाना होगा कुछ ऐसे और फिर ये वाली लेयर को नीचे लानी होगी, और अगर मान लेते हैं हम लोग इधर आता है तो आपको इसके इधर लाना होगा और फिर इस वाली लेयर को नीचे लानी होगी, ठीक है। यही दो केसेस होंगे इन पीसेस में। और अब मैं बता देता हूँ फिर से, जैसे अब हम लोग तीसरा केस जो मैंने बताया था, हम लोग ढूंढते हैं फिर से, हम लोग फिर से एक पीस ढूंढते हैं नीचे वाली लेयर में, देख लीजिए इस बार यहाँ पे नीचे सामने कोई भी एक ग्रीन कलर का पीस नहीं दिख रहा है, बट वो नीचे है, दो पीसेज हैं, दोनों नीचे हैं। तो आपको क्या करना होगा, पहले तो आप इसको नीचे से यहाँ पे ले आइए, आपका कलर हमेशा ऊपर रहने वाला है, आप इसको एक बार ऐसे टर्न करेंगे तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये पीस आपके राइट तरफ में है तो आपको क्या करना होगा, इसको लेफ्ट की तरफ ऐसे एक बार टर्न कर देना होगा, ठीक है। ये आपका टर्न हो गया, आपके दो पीसेज यहाँ पे थे वो डिस्टर्ब हो गए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको वापस सेट कर देंगे। आपका ये जो पीस यहाँ से यहाँ चला गया है, आप इसको वापस एक बार घुमाएंगे तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और इस पीस को वापस एक बार घुमाएंगे तो ये भी अपने जगह पे आ गया, आपका प्लस वैसे ही हो गया और ये पीस यहाँ की जगह यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आप इसको इस तरफ घुमाइए अपने राइट की तरफ कुछ ऐसे, फिर से आपका ये वाला पीस डिस्टर्ब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस इसको साइड कर सकते हैं, आप इधर भी कर सकते हैं इधर भी, लेकिन हम लोग इधर करते हैं, इसको इधर कर देंगे और वापस इस वाले पीस को ऊपर कर देंगे, तो आपका प्लस वापस हो गया और आपके जो दो पीसेस नीचे थे देखिए दोनों अपने आप ऊपर आ गए। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, आपके क्यूब पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एक ही आता है एक नीचे रह जाता है तो फिर से आप यही वाला चीज अप्लाई कर देंगे। अब आप अपने पुराने रूल पे आइए, ग्रीन आपके सामने आ चुका है, दो कलर ढूंढिए, व्हाइट एंड रेड जो इसके साथ दिया है उसको आप देख लीजिए, यहाँ पे रेड एंड व्हाइट, तो आपकी पोजीशन यहाँ पे होने वाली है। इस पीस को आप एक बार ऐसे टर्न करेंगे, व्हाइट रेड एंड ग्रीन, रेड ग्रीन व्हाइट एंड रेड, सेम फिर से आपको वही करना है जो मैंने बताया था, इस तरफ है तो ये इधर आ जाएगा, ये वाली लेयर नीचे आ जाएगी वापस, एंड देन वही जो मैंने पहले बताया था वही चीज़ है। तो ये देखिए ये वाली पोजीशन भी अपनी जगह पे आ चुकी है। फाइनली आपको इस वाले लेयर में है ही आपका ग्रीन आपका कलर सामने, शायद ये ऐसे भी हो सकता था कि ये यहाँ पे होता, तो आपको फिर वही चीजें अप्लाई करने होती है। बस आपको ध्यान देना है कि पीस की जो पोजीशन चेंज हो जा रही है वो आप वापस रिस्टोर कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए येल्लो एंड ऑरेंज है, येल्लो एंड रेड है, तो आप इसको देख लीजिए येल्लो एंड रेड के बीच में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये इसकी पोजीशन सही है, आपके राइट तरफ है, तो आप इसको फिर से लेफ्ट घुमाइए, राइट वाली लेयर को नीचे लाइए, इसको वापस लगा दीजिए एंड ये ऊपर, तो ये आपका फर्स्ट लेयर कंप्लीट सॉल्व हो गया। देखिए आपका एक कलर तो बन ही गया है, साथ में ये भी मैच हो रहा है, पूरा मैच हो रहा है पूरा, एंड ये इस तक मैच हो रहा है, तो ये आपका एक कंप्लीट फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आप जब प्लस बना लें और उसके बाद ये पीसेस को सेट करें तो आपको कोई पीस ना बॉटम लेयर में मिले ना ही मिडिल लेयर में मिले, आपको वो टॉप लेयर में मिलेगा, या ऐसे हो सकता है आपका तीन हो जाए और एक बचा हो वो सिर्फ इस वाली लेयर में हो। तो उसमें तीन केसेस हैं, या तो ग्रीन कलर यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा और यहाँ होगा, तीन ही कलर होते हैं इधर, तो तीन जगह में हो सकता है। तो पहले मान लेते हैं आपका एकदम आपके सामने है, उस केस में आपको क्या करना होगा, आप अपनी फ्रंट वाली लेयर को ऐसे घुमाइए एक बार,
फिर इसको बॉटम वाली लेयर को इधर घुमाइए और इसको वापस लगा दीजिए, तो ये आपका यहाँ से सीधे यहाँ आ जाएगा। फिर आप अपना वही वाला रूल लगा सकते हैं। उसके बाद मान लेते हैं आपका ये कलर इसके जगह यहाँ राइट में हो, देख सकते हैं यहाँ पे राइट में, तो आप अपने वाले कलर को टॉप पे रखिए और वो आपके राइट में होना चाहिए। आप क्या करिए, इस वाली लेयर को ऐसे टर्न करिए, ठीक है, राइट वाली लेयर को आर डैश करना है। इसके बाद आप इसको इधर लेफ्ट की तरफ घुमा लीजिए बॉटम वाली लेयर को और इसको वापस टर्न कर दीजिए, तो आपका प्लस भी मेंटेन रहेगा और ये वाला पीस यहाँ से यहाँ आ गया। और फाइनल केस ये हो सकता है कि या तो यहाँ भी ना हो, यहाँ भी ना हो और ये यहाँ पे हो, या तो अगर वो मैच कर रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, आपको ऑलरेडी सेट है, और नहीं कर रहा है तो आप इसको एक बार नीचे लाइए, ठीक है, सिंपली इसको टर्न कर दीजिए इस तरफ और अपने प्लस के तरफ वापस सेट कर दीजिए, तो ये भी यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, फिर आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट लेयर बन जाने के बाद आप क्या करिए, एक दो बार और क्यूब को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फर्स्ट लेयर बनाने की कोशिश करिए बिना वीडियो के हेल्प के, और आप एक दो बार जब बना लेंगे तो आप समझ भी जाएंगे कि क्या हो रहा है और जितने केसेस मैंने बताए आपके साथ सब आ जाएंगे, तो आप एक बार आइडिया भी लग जाएगा कि करना क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड लेयर की तरफ। सेकंड लेयर का मतलब यहाँ पे ये जो चार पीसेज हैं मिडिल वाले लेयर में, इसको सही से सेट करना है। यहाँ पे देखिए ये सेकंड लेयर ऑलरेडी सॉल्व है पूरी क्यूब की, इसमें क्या है मान लीजिए यहाँ पे येलो और यहाँ पे ऑरेंज कलर है, तो यहाँ पे भी येलो और ऑरेंज कलर का पीस है। यहाँ पे देखिए व्हाइट एंड ऑरेंज है, तो यहाँ पे भी व्हाइट एंड ऑरेंज है। यहाँ पे रेड एंड व्हाइट है, तो यहाँ पे भी रेड एंड व्हाइट है। और यहाँ पे येलो एंड रेड है, तो यहाँ पे भी येलो एंड रेड है। यही आपका एम है, ठीक है। अब आपको करना कैसे है, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में क्या रखना है, आप जो कलर पिक किए हैं, हम लोग ग्रीन पिक किए हैं, उसका अपोजिट कलर कौन सा है, मींस यहाँ पे ये ग्रीन है तो ठीक उसके नीचे कौन सा कलर है। देखिए यहाँ पे ब्लू है, ग्रीन का अपोजिट ब्लू कलर है। मान लेते हैं अगर आपका ऑरेंज होता तो ऑरेंज का अपोजिट कलर यहाँ पे रेड है, और मान लेते हैं आपका कलर येलो होता तो येलो का अपोजिट कलर व्हाइट है, ठीक है। तो हम लोग का ये ग्रीन है, तो हम लोग का ग्रीन कलर का अपोजिट कलर है ये ब्लू। अब आपको क्या करना है, आप अपने क्यूब को ऐसे पकड़िए, आपका कलर हमेशा की तरह ऊपर रहने वाला है। आप बॉटम वाली लेयर में दो कॉर्नर पीस के बीच में ये जो दो कलर वाला पीस होता है उसको ऐसे पीस को ढूंढिए जिसमें ब्लू कलर ना हो। जैसा कि यहाँ देखिए यहाँ पे व्हाइट है और रेड है, बस ब्लू नहीं है। यहाँ पे भी देखिए ऑरेंज है और येलो है, ब्लू नहीं है। यहाँ पे भी देखिए येलो है और रेड है पर ब्लू नहीं है, और यहाँ पे ब्लू है। आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि चारों में ब्लू ना हो, ये भी हो सकता है कि दो में हो या दो में ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि चारों में ब्लू हो, ठीक है। तो तीन अलग अलग केस है, मैं तीनों आपको बताने वाला हूँ। मान लेते हैं आपको ऐसा पीस मिल गया जिसमें ब्लू कलर ना हो, मुझे तो यहाँ पे तीन मिले हैं, मैं कोई भी पकड़ लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला देखता हूँ, तो आप क्या करिए, इस वाले कलर को इस वाले के साथ मैच करिए पहले की तरह। तो यहाँ पे ये येलो है, मैं इसको येलो के साथ मैच करूंगा, ठीक है, ये येलो और येलो मैच हो गया। अब आप नोटिस क्या करेंगे, जो आपका कलर के साथ नीचे वाला कलर है, यहाँ पे जो रेड कलर है, या तो वो आपके राइट में होगा या तो वो आपके लेफ्ट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे लेफ्ट में रेड कलर है, हमेशा राइट या लेफ्ट दोनों में ही कहीं होने वाला है, पीछे नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो अगर आपके लेफ्ट में है तो आपको ये बॉटम वाली लेयर को राइट की तरफ घुमाना होगा कुछ ऐसे, और अगर मान लेते हैं आपका कलर राइट में होता तो आप इस बॉटम वाली लेयर को लेफ्ट की तरफ घुमाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का लेफ्ट में है, तो मैं इसको एक बार राइट की तरफ ऐसे घुमा देता हूँ। इसके बाद आप जो जिस कलर की तरफ था उस वाली लेयर को आप एक बार नीचे ले आइए कुछ ऐसे, और जिस वाली लेयर को आप टर्न किए थे उसको वापस टर्न कर दीजिए और ये वाले कलर को ऊपर ले जाइए। तो ये चार मूव्स करेंगे तो इससे क्या होगा, ये पीस यहाँ से यहाँ आ जाएगा। देखिए आपका ये जो कलर बना हुआ था वो यहाँ से डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन अभी जब आप इसको पुराने तरीके से मैच करेंगे तो वो दो कलर वाला पीस अपने आप सेट होगा। हम लोग क्या करते थे, दो कलर नीचे देखते थे वो हमेशा दोनों के बीच में ऑलरेडी आपको सेट मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, पहले की तरह इसको टर्न करना है और वापस सेट कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो कलर था वो बन गया, लेकिन देखिए आप रेड और येलो के बीच में ये पीस अपने सही पोजीशन पे आ गया। इसके बाद आप फिर बॉटम वाली लेयर में ऐसा ढूंढिए जिसमें ब्लू ना हो, तो मुझे यहाँ पे देखिए मिल गया, ब्लू नहीं है, व्हाइट एंड रेड। तो मैं क्या करूंगा, पहले व्हाइट को व्हाइट से मिलाऊंगा, इसके बाद रेड या तो राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा। यहाँ पे देखिए रेड मेरा राइट में है, तो मैं इसको लेफ्ट की तरफ घुमाऊंगा, राइट में था इसलिए राइट वाली लेयर को नीचे लाऊंगा, इसको वापस उसकी पोजीशन पे और ये इसके वापस पोजीशन में। फिर से ये अपना डिस्टर्ब हो गया है पीस, मैं इसको फिर से पुराने वाले तरीके से लगा दूंगा, तो देखिए ये बन गया। और यहाँ पे भी इस बार देखिए व्हाइट एंड रेड के बीच में व्हाइट एंड रेड सही पोजीशन पे आ चुका है। फिर से हम लोग एक ढूंढते हैं पीस जिसमें ब्लू ना हो, यहाँ पे देखिए इसमें भी ब्लू नहीं है, व्हाइट है और ऑरेंज है, तो व्हाइट के साथ तो पहले से मैच है तो मुझे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑरेंज या तो राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा, यहाँ पे लेफ्ट में है, तो मैं इसको राइट की तरफ घुमाता हूँ, लेफ्ट में था इसलिए लेफ्ट वाली लेयर को नीचे लाऊंगा, इसको अपने पोजीशन पे वापस और इसको भी वापस, ये डिस्टर्ब हुआ है पुराने वाले तरीके से, मैं इसको वापस सेट कर दूंगा। तो देखिए व्हाइट एंड ऑरेंज के बीच में ये व्हाइट एंड ऑरेंज भी आ चुका है। फाइनली हम लोग एक और ढूंढेंगे, इसमें तो ब्लू है ये नहीं ले सकते, इसमें भी ब्लू है ये भी नहीं ले सकते, इसमें ब्लू नहीं है तो हम लोग ये वाला ले सकते हैं, और इस वाले में ब्लू है तो ये ऑरेंज है और येल्लो है, तो इसको पहले ऑरेंज से मिलाते हैं हम लोग। ऑरेंज ऑरेंज मैच हो गया, येल्लो या तो लेफ्ट राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट में है तो मैं इसको राइट ले जाऊंगा, लेफ्ट में था इसलिए लेफ्ट वाले को नीचे वापस एंड देन अगेन वापस, और फिर ये वाला पीस डिस्टर्ब है तो हम लोग इसको सेट कर देते हैं पुराने वाले तरीके से,
और देखिए ये आपका पूरा कलर मैच हो गया और आपकी ये कंप्लीट सेकंड लेयर सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ऐसा पीस कोई नहीं मिल रहा, आपको बार बार जैसे कि मान लीजिए अभी ये सॉल्व नहीं होता, आप ढूंढते तो यहाँ पे भी ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू है और यहाँ पे भी ब्लू है, तो उस केस में आप क्या करते हैं? तो दोस्तों अब देखिए, मान लीजिए मेरी सेकंड लेयर नहीं सॉल्व हुई है और अब मैं नीचे ढूंढ रहा हूँ बिना ब्लू वाला पीस, यहाँ तो ब्लू है, यहाँ भी ब्लू है, यहाँ भी ब्लू है और यहाँ भी ब्लू है, चारों में ब्लू है। इसका मतलब वो मिडिल लेयर में ही होगी लेकिन जगह नहीं सही होगी। जैसे कि ये देखिए येलो और ऑरेंज है, सही तो है लेकिन अपोजिट होना चाहिए था, येलो इधर होना चाहिए था और ऑरेंज इधर होना चाहिए था। इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो वाला पीस को अपने राइट तरफ रखिए जैसे कि यहाँ पे है, क्या करिए इसको एक बार नीचे करिए, इस पीस को वो वहां चला जाएगा, इसको इधर टर्न कर दीजिए और इसको वापस टर्न कर दीजिए, तो आप क्या होंगे पहले वाले पोजीशन में आ जाएंगे। जब आपका एक पीस यहाँ से स्विच हो जाता है, आप अपना वापस जैसे सेट करते थे इसको सेट कर दीजिए, इससे क्या होगा आपको एक पीस मिल जाएगा जिसमें ब्लू कलर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मुझे मिल गया है। और इसके बाद जैसा कि मैंने अभी आपको पूरा बताया था आपको क्या करना होगा, वही चीज अगर आप अप्लाई करेंगे तो देखिए आपकी पूरी सेकंड लेयर सॉल्व हो गई, वो पीस जो कि यहाँ पे था देखिए उसका कलर अपोजिट हो गया, सही हो गया है, अब आपकी सेकंड लेयर कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों सेकंड लेयर सॉल्व हो जाने के बाद अब हम लोग चलते हैं थर्ड लेयर पे। मैं आपको बता दूं थर्ड लेयर सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस आप आराम से फॉलो करिए तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं थर्ड लेयर में आपके स्टार्टिंग में सेकंड लेयर होने के बाद चार केसेस आएंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपका कलर ग्रीन पिक किए थे हो जाने के बाद उसको एकदम नीचे कर दीजिए कुछ ऐसे, तो आपका जो अपोजिट कलर था वो आपके टॉप पे होगा, यहीं पे आपके चार केसेस आएंगे। पहला केस ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, देख सकते हैं मेरा पहले वाले केस से मैच कर रहा है। ठीक है, होगा क्या, इसमें एक एल्गोरिथम मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको फोर्थ वाले पे जाना है जो कि प्लस वाला है, आपका एम है यहाँ पे प्लस पाना, तो आप इस एल्गोरिथम को जब तीन बार करेंगे फर्स्ट वाले से तो आप सीधे प्लस पे चले जाएंगे, दो बार करेंगे सेकंड वाले से तो आप प्लस पे चले जाएंगे, अगर आप तीसरे वाले पे तो आप एक बार करेंगे तो प्लस पे। इसका फायदा यही है, बस आपको करते जाना है आप सीधे एक बार प्लस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए मेरा फर्स्ट वाला केस है, हम लोग को प्लस बनाना है और हम लोग का पहला वाला केस है, सिर्फ हम लोग को इस प्लस वाले पीस से मतलब होना है, इस पे ब्लू हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है पर हम लोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हम लोग का सबसे पहला वाला केस है। मैं आपको जो एल्गोरिथम स्क्रीन पे आएगा मैं करने वाला हूँ और यही आपको भी करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका कलर टॉप पे होना चाहिए, एफ आर यू आर डैश यू डैश एंड एफ डैश, तो देखिए ये सेकंड वाला जो केस था वो मिल गया, इसमें आपको एक एल मिलेगा, देख सकते हैं ये एक एल टाइप का है उल्टा, अगर आप ऐसे देखें तो ये एक एल शेप है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेकंड से थर्ड पे आना है, सेम एल्गोरिथम करेंगे लेकिन आपका कुछ ऐसे रहना चाहिए, एक पीस नीचे आपके तरफ एक पीस आपके राइट में, ये नहीं कि आप ऐसे करके एल्गोरिथम लगा दें, आपको ऐसे रखना है, ये एक शेप है इसको आप याद रखिएगा। फिर से आप सेम एल्गोरिथम लगाएंगे, एफ आर यू आर डैश यू डैश एंड एफ डैश, इससे क्या होगा आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगा, इन पीसेस को छोड़ दीजिए आपको सिर्फ प्लस से मतलब रखना है, तो ये देखिए आपको एक लाइन मिल चुकी है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब आपको ये ऐसे नहीं करना होगा कि आपकी लाइन सीधे हो, आपको आपकी लाइन ऐसी होनी चाहिए और फिर से ये एल्गोरिथम लगाएंगे तो आप थर्ड वाले से फोर्थ वाले पे आ जाएंगे। हम लोग फिर से लगाते हैं, एफ आर यू आर डैश यू डैश एंड एफ डैश, तो इससे देखिए क्या होगा आपको एक प्लस मिल चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है और आपका जो पूरा दो लेयर सॉल्व था वो पूरा आपका दो लेयर अभी भी सॉल्व्ड है और यहाँ पे आपको प्लस मिल चुका है। तो ये आप फर्स्ट केस से सेकंड केस, सेकंड से थर्ड एंड थर्ड से फोर्थ, आपका कोई भी हो सकता है, आपके केस पे डिपेंड करेगा आपको ये एल्गोरिथम कितने बार लगाना है। दोस्तों आपको ये सब एल्गोरिथम याद करने पड़ेंगे, एक बार आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे और आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आपकी फिंगर्स ऑटोमेटिकली उस एल्गोरिथम पे वर्क करेगी, आपको बार बार रिकॉल नहीं करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, जो आपने प्लस बनाया है उसके साथ कलर पीसेस को मैच करना पड़ेगा, जैसा कि आप पहले करते थे, मींस यहाँ पे ब्लू है यहाँ पे ऑरेंज है तो ये भी ब्लू एंड ऑरेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा तो देखिए ऑलरेडी सेट है, यहाँ पे देखिए ब्लू के ऑरेंज के साथ ब्लू एंड ऑरेंज है, यहाँ पे ब्लू एंड येलो के साथ ब्लू एंड येलो है, यहाँ पे ब्लू एंड रेड के साथ ब्लू एंड रेड है और यहाँ पे ब्लू एंड व्हाइट के साथ यहाँ पे ब्लू एंड व्हाइट है, तो ये देखिए कंप्लीट रॉस बना पड़ा है प्लस और सारे पीसेज अलाइन है। आपको यहाँ पे तीन केसेस मिलेंगे, ये तो मेरा वाला जो आपको मिल सकता है कि आपको पहले से सेट मिले चारों पीस, ये हो सकता है कि आपको दो यहाँ पे सेट हो, मीन्स ये देखिए येलो येलो सेट है, रेड रेड भी सेट है, लेकिन जो बाकी दो कलर है वो चेंज हो जाएंगे, मीन्स यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा और ये व्हाइट वाला यहाँ पे होगा, दोनों जगह अलग अलग होंगी, या तो आपको तीसरा केस जो मिलेगा उसमें ये मैच होगा और उसके पीछे वाला मैच होगा और इधर वाले स्विच होंगे, मीन्स ये रेड है तो रेड यहाँ पे होता और ये जो ऑरेंज है वो यहाँ पे होता, तो ये तीन केसेस है, मैं आपको तीनों बताने वाला हूँ। दोस्तों ये हम लोग का फर्स्ट वाला केस है, जैसे कि पहले था कि आप फर्स्ट वाले पे हैं तो तीन बार करेंगे तो फोर्थ पे आ जाएंगे, सेकंड से थर्ड फोर्थ जो आपका पहले था, इसमें भी यही है, अगर आप फर्स्ट वाले केस पे हैं तो आप इस एल्गोरिथम को दो बार करेंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप सेकंड वाले पे हैं तो आप उसको एक बार करेंगे और अगर थर्ड वाले पे तो अच्छी बात है आपका ऑलरेडी प्लस बना हुआ है सही से, तो एल्गोरिथम कुछ ऐसे है, लेकिन देख लीजिए फर्स्ट
केस ये ब्लू रेड है तो ये भी ब्लू रेड देखिए मैच है सही से, और ठीक उसी के पीछे वाला ऑरेंज ब्लू और ऑरेंज ब्लू मैच है, बस इधर इधर वाले गलत है, मीन्स यहाँ येल्लो होना चाहिए था और व्हाइट है, और यहाँ पे व्हाइट होना चाहिए था येल्लो है। तो आप क्यूब को ऐसे पकड़िए, आपका ब्लू कलर टॉप पे हो और आपका बना वाला आपके सामने और पीछे हो, गलत वाला दोनों राइट लेफ्ट में होना चाहिए। आपका एल्गोरिथम कुछ ऐसे है, क्या करेंगे आप, पहले आप आर देन यू टू, यानी यू वाले को दो बार करना है, यू टू दो बार किया, इसके बाद आर डैश देन यू डैश देन आर देन यू डैश एंड देन आर डैश। इससे क्या होगा, आप देखिए सेकंड वाले केस पे आ जाएंगे जिसमें बगल बगल वाले बने होते हैं, देखिए येल्लो के साथ येल्लो बना हुआ है, रेड के साथ रेड बना है, और दो गलत है, मींस यहाँ पे ऑरेंज होना चाहिए था व्हाइट है, और यहाँ पे व्हाइट होना चाहिए था ऑरेंज है। अब आप क्या करेंगे, सेकंड वाले पे आगे सेम एल्गोरिथम करेंगे, लेकिन आप क्यूब को पकड़ना थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे पकड़ना है कि गलत वाले आपके सामने और एक गलत वाला आपके राइट पे होना चाहिए, ऐसे नहीं करना है कि सही वाला आपके सामने और सही वाला आपके राइट पे हो, ऐसा आपको नहीं करना है, गलत एक आपके सामने होना चाहिए और एक आपके राइट में होना चाहिए। सेम एल्गोरिथम आप फिर से करेंगे, R U2 R dash U dash R U dash and then R dash। इससे क्या होगा, आप जब क्यूब को एक बार घुमाएंगे, अभी तो आपको लग रहा है कि नहीं बना, लेकिन जब आप एक बार टॉप वाली लेयर को घुमाएंगे तो ये देखिए मैच हो गया, ब्लू व्हाइट एंड ब्लू व्हाइट, इधर भी देखिए ब्लू रेड है और यहाँ भी ब्लू रेड है, यहाँ देखिए ब्लू एंड येल्लो तो यहाँ भी ब्लू एंड येल्लो है, यहाँ पे देखिए ब्लू एंड ऑरेंज है तो यहाँ पे भी ब्लू एंड ऑरेंज है, तो ये आपका पूरा प्लस बन गया सही से पीसेस। अब आपका क्या बचा है, सिर्फ इन चार पीसेस को सही से रखना है, और बाकी आपकी पूरी सेकंड लेयर ऑलरेडी सॉल्व है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। अब हम लोग चलते हैं इन चार पीसेस पे। तो अब आपको यहाँ पे दो केसेस मिलेंगे, आपको ये चार पीसेस सही से सेट करने हैं। पहला तो ये होगा कि ये चार पीसेस में कोई भी पीस अपने सही जगह पे नहीं होगा। सेकंड केस ये हो सकता है कि या फिर एक या फिर दो या फिर तीन या फिर चारों पीसेस अपने सही जगह पे होंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला केस है, यहाँ पे एक भी पीस अपनी सही जगह नहीं है। ये आपको कैसे चेक करना होगा, यहाँ पे देखिए ब्लू येल्लो एंड रेड कलर है, मीन्स इन तीनों के बीच में यहाँ पे ब्लू येल्लो एंड रेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए ब्लू रेड एंड व्हाइट है, मीन्स ये पोजिशन अपनी गलत जगह पे है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे ऑरेंज ब्लू एंड व्हाइट है, लेकिन यहाँ पे ब्लू ऑरेंज एंड येल्लो है, मीन्स ये भी अपने गलत जगह पे है। ये पीस देखिए ब्लू ऑरेंज एंड येल्लो है, लेकिन यहाँ पे ब्लू व्हाइट एंड ऑरेंज है, मीन्स ये भी गलत है। और चौथा पीस यहाँ पे ब्लू रेड एंड व्हाइट है, और यहाँ पे ब्लू येल्लो एंड रेड है, मीन्स ये चारों अपने गलत जगह पे हैं। अब आपको क्या करना होगा, अगर आपको ये वाला केस आ रहा पहला वाला जहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं आपको जो एल्गोरिथम बताने वाला हूँ वो आप करेंगे तो आप सेकंड वाले केस पे आ जाएंगे, और सेकंड वाले पे हैं तो आप थर्ड वाले पे आएंगे जो कि आपका मीन्स अभी आने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ एल्गोरिथम क्या है, आप कैसे भी क्यूब पकड़ सकते हैं, मीन्स ब्लू कलर आपका ऊपर रहना चाहिए और गलत चारों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग पहले करेंगे एल डैश यानी कि ये, देन यू देन आर देन यू डैश देन एल देन यू देन आर एंड देन यू डैश। इससे क्या होगा, आपका सेकंड लेयर तो पूरा बना हुआ है, लेकिन आप एक नोटिस करेंगे ये चार जो गलत होते थे उसमें एक सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कौन सा सही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्लू रेड एंड व्हाइट है, लेकिन यहाँ पे ब्लू येल्लो एंड रेड है, मीन्स ये गलत ही है। अगला देखते हैं ब्लू येल्लो एंड रेड है, यहाँ पे ब्लू येल्लो एंड ऑरेंज है, मीन्स ये भी गलत है। अगला देखते हैं ब्लू ऑरेंज एंड येल्लो है, यहाँ पे व्हाइट है और ब्लू रेड है, मीन्स ये भी गलत है। फाइनल ये रेड सॉरी ब्लू व्हाइट एंड ऑरेंज, और ये भी ब्लू व्हाइट एंड ऑरेंज है, मीन्स ये पीस अपने सही जगह पे, देख सकते हैं। अब आप इस सेकंड वाले केस पे आ गए, या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि आप सेकंड वाले पे पहले सोते, तब आप जो करने मैं बताने वाला हूँ वो आप करेंगे। दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि ये ब्लू कलर यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, बस ये होना चाहिए कि इसकी पोजिशन सही होना चाहिए, ये तीन कलर जो है वो इन तीन कलर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक मिल चुका है, अब आप यही वाला एल्गोरिथम फिर से लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एल्गोरिथम लगाते हैं, सही वाला पीस हम लोग के राइट में होना चाहिए, एल डैश यू आर यू डैश एल यू आर डैश एंड देन यू डैश। इससे क्या होगा, ये जो प्लस आपका बना हुआ है आपके पीसेस चारों सही हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पीस अभी भी नहीं सही हो, तो आपको दो बार करना होगा। तो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, चारों सही हो गए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो हम लोग फिर से एल्गोरिथम लगाएंगे यही वाला। तो देखते हैं ब्लू व्हाइट एंड ऑरेंज के बीच में, तो ये हम लोग का पहले से सही था। अगला देखते हैं ब्लू ऑरेंज एंड येल्लो, और यहाँ पे व्हाइट ब्लू रेड है, मीन्स ये सही नहीं है, अभी भी हम लोग का सही नहीं हुआ है, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। तो हम लोग फिर उसी पोजीशन में आएंगे जो हम लोग का सही था वो हम लोग के राइट में, और फिर से हम लोग यही एल्गोरिथम लगा देंगे, ठीक है। एल डैश यू आर यू डैश एल यू आर डैश एंड यू डैश। अब हम लोग का चारों पीस अपने सही जगह पे होगा, ब्लू व्हाइट ऑरेंज ब्लू व्हाइट ऑरेंज के बीच में है, ऑरेंज येल्लो ब्लू ऑरेंज येल्लो ब्लू के बीच में है, रेड येल्लो ब्लू रेड येल्लो ब्लू के बीच में, और यहाँ पे रेड व्हाइट ब्लू रेड व्हाइट ब्लू के बीच में। अब यहाँ पे हम लोग के चारों पीसेस सही हो चुके हैं, बस ये है कि अब हम लोग को इसका पोजीशन चेंज करना है, मीन्स देखिए ब्लू यहाँ होना चाहिए था, रेड यहाँ होना चाहिए था और व्हाइट यहाँ होना चाहिए था। अब आपके पास ऐसा हो सकता है कि ब्लू या तो साइड में हो यहाँ पे,
या तो यहाँ पे और या तो यहाँ पे, यहाँ पे होगा मीन्स आपको ऑलरेडी सेट है वाला पीस, या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको तीनों केस बताने वाला हूँ। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में सारे एल्गोरिथम्स लिखे हैं, आप वहां से आराम से देख के कर सकते हैं, और स्क्रीन पे भी आपके लिख के आएगा, ठीक है। अब हम लोग फाइनल स्टेज में है, बस हम लोग को ये पीसेस सही से सेट करना है, ये आपका फाइनल है। अब आपको करना क्या है, आपको क्यू, ये तो चारों आप सही जगह है, आप कैसे भी क्यूब को पकड़ सकते हैं। आपको फाइनल एल्गोरिथम जो कि R-D-RD, ये छोटा सा चार का एल्गोरिथम है, यही आपको करना होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ये पीस यहाँ पे अगर, ठीक है, आपके सामने यहाँ हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे भी सामने वाला लोग लिए हैं R-D-RD, इसको आपको करते जाना है R-D, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, जब तक ये ऊपर ना आ जाए आपको करते रहना है R-D-RD, देखिए ये अपने ऊपर आ गया, ब्लू कलर आपके ऊपर आ गया। अगर ये आपका सामने था तो आपको चार बार करना होगा, अगर आपके ये इधर होता तो आपको दो बार करना होता, ठीक है। लेकिन अभी आप कुछ क्यूब को छेड़िएगा मत, क्योंकि देखिए आपका ग्रीन कलर टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। आपका सही होने के बाद अब आप अगले वाले को आपने इस तरफ लाइए, ठीक है, ये वाले पीस को। एक बार मैं टर्न किया और राइट वाले में आ चुका है, फिर आपको ये एल्गोरिथम लगाना है R-D-RD, देखिए ये वाला भी सही हो गया है। फिर से एक बार आपको टर्न करना है, फिर से आपको करना है R-D-RD, और फिर से लास्ट वाला पीस है आपके सामने, मीन्स आपके चार बार लगेगा, इधर होता तो दो बार लगता, ठीक है। R-D-RD, 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 और फाइनली R-D-RD। तो ये देखिए सही पीसेस आ रहे हैं, अपने पीसेस सही जगह पे आ चुके हैं। बस आपका पूरा क्यूब लगभग सॉल्व हो चुका है, आप बस एक बार टर्न करेंगे और ये आपका पूरा क्यूब कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक मिक्स क्यूब को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ताकि आप सब रिकॉल कर सकें कि कैसे मैंने क्या क्या बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्रीन कलर पिक किए हैं और हम लोग इसका प्लस बनाते हैं। हम लोगों को क्या करना होता था, ये चार पीसेस को सेट करना होता था, तो हम लोग इसको भी सेट कर लेते हैं। पूरी लेयर कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है। फिर हम लोग क्या करते थे, सेकंड लेयर को ये जो चार पीसेस होते थे उसको सही से लगाते थे, तो हम लोग इसको भी करते हैं अब। थर्ड में हम लोग को प्लस बनाना होता था, यहाँ पे देखिए मुझे सेकंड केस मिला है, ऑलरेडी मेरा एल बना हुआ है, तो मैं अपने सारे एल्गोरिथम्स यहाँ पे लगाता हूँ। हम लोग का प्लस भी बन गया है, मुझे चेक करना होता है कि वो सही पीसेस हैं कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे देखिए दो सही मिल गया है, सेकंड वाला केस और दो अपोजिट हैं, तो यहाँ पे मैं अपना फिर से एल्गोरिथम लगाता हूँ। अब हम लोग को चेक करना था कि एक को सही पीस सही है कि नहीं, यहाँ पे ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, मुझे चारों पीसेस लकीली सही मिल चुके हैं। अब बस हमें सही करना होता है इसकी पोजीशन, यहाँ पे ये गलत है और यहाँ पे ये गलत है, बाकी ये दो पीसेस सही जगह हैं, तो यहाँ पे हम लोग को लास्ट वाला एल्गोरिथम लगाना है। ऐसे ही हम लोग का
स्टेप बाय स्टेप पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है। जितने एल्गोरिथम्स मैंने अभी पूरे वीडियो के वक्त बताए हैं सारे डिस्क्रिप्शन में रहने वाले हैं, आप आराम से इसको याद कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि कैसे याद होगा, मीन्स आर डी इतना कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे 10-15 बार क्यूब को सॉल्व करेंगे या उससे ज्यादा, आपके हाथ ऐसा सेट हो जाएगा कि आप फिंगर्स आपकी उतने तेज वर्क करेगी, आपको एल्गोरिथम बार बार रिकॉल नहीं करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मैजिक ट्रिक के साथ।